सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एयरफोर्स की जो आपकी सीरीज चल रही है, हम लोग उसी क्रम में आज आगे चर्चा करेंगे। और ये नई क्लास आपकी चलेगी दोस्तों 7 बजे वाली क्लास। और दोस्तों, ये आपकी रागा की क्लास रहेगी, रागा में जो कि आपका यक्ष और वाई दोनों में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आप रागा अर्थात यक्ष वाई ग्रुप में ये भी पूछा जाता है और यक्ष वाई ग्रुप में इंग्लिश भी पूछी जाती है दोस्तों। तो जो आपकी इंग्लिश की क्लास है ये सुबह चलती है दोस्तों 10 बजे। रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे चलती है दोस्तों, और इंग्लिश की क्लास सुबह 10 बजे चलती है दोस्तों, और रागा की क्लास आपकी शाम को 7 बजे चलेगी। और दोस्तों, जो आपकी प्रैक्टिस बैच चलती है 4 PM की, ये दोस्तों यक्ष ग्रुप के लिए और यक्ष वाई दोनों के लिए मतलब कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप यक्ष ग्रुप से हैं तब भी आप इसको ज़रूर देखिए, और अगर आप वाई ग्रुप से हैं तब भी आप वाई ग्रुप से अगर हैं तब भी आप इसको देखिए, और अगर यक्ष वाई ग्रुप से हैं तब भी देखिए। मतलब ये है कि ये तीनों क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक क्लास छूट रही है आपकी जो कि मैथ की है और साइंस की है, ये आपकी केवल यक्ष ग्रुप की है। मैथ और साइंस की दोस्तों जो क्लास नहीं चल रही है केवल यक्ष ग्रुप की, ये भी शीघ्र ही जल्द ही चलवाई जाएगी दोस्तों। ठीक, ये भी क्लास आपकी जल्द चलवाई जाएगी। तब तक आप लोग ये तीन क्लास देखते रहिए दोस्तों, तब तक आप ये तीन क्लास देखते रहिए। और कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो बताइएगा जल्दी से। एक बार सब लोग जय हिंद लिख करके कमेंट में आ जाइए दोस्तों, जल्दी से एक बार जय हिंद लिख करके कमेंट में आइए दोस्तों। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं दोस्तों। हेलो पबजी लवर, गुड इवनिंग। आगे क्या है, नीरज गुड इवनिंग, हिमन गुड इवनिंग, देवमणि गुड इवनिंग, राजेश गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट में आ जाइए, जय हिंद कमेंट करिए, जय हिंद। और एकदम एक बार आप लोग हर जगह शेयर कर दीजिए दोस्तों, एकदम तहलका मचना चाहिए दोस्तों, एकदम तहलका मचना चाहिए। जल्दी से एक बार हर जगह शेयर करिए दोस्तों। 20 बच्चों को जल्दी शेयर करिए दोस्तों, एक बच्चे 20 बच्चों को शेयर करें दोस्तों, जल्दी एक बच्चे 20 बच्चों को शेयर करें हर जगह, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करें दोस्तों। उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास दोस्तों बहुत दमदार क्लास है। आज की जो क्लास है दोस्तों आपकी, वो आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी दोस्तों, और रीजनिंग की आज आपकी फर्स्ट क्लास है। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग अर्थात रागा की आज आपकी फर्स्ट क्लास है दोस्तों। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, रीजनिंग अर्थात रागा की आज फर्स्ट क्लास है दोस्तों। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। दीपक सर, साइंस और मैथ नहीं चलेगी क्या? दीपक देखिए, मैंने बताया है कि सारी क्लासेज आपकी चलवाई जाएंगी, मैथ और साइंस अभी नहीं चल पा रही है, लेकिन आपको जो है जल्द ही ये दोनों क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी सितंबर में दोस्तों। सितंबर में आपकी मैथ और साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, और याद रखिएगा कि तीनों क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, तीनों क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। अगर आप सुबह वाली क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा जब टाइम मिले दोस्तों आपको। दिन भर में केवल 3 क्लास देखनी है आपको दोस्तों, और अपना खुद पढ़ना है दोस्तों, याद रखिएगा 3 क्लास देखनी है और सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि बिना खुद पढ़े दोस्तों तैयार नहीं होता है, आप चाहे जितना वीडियो देख लें। तो याद रखिएगा, वीडियो से केवल आपको समझ में आएगा, जैसे मैं जो समझाऊंगा वो समझ में आएगा, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए दोस्तों उसका, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोगों का रीजनिंग टॉपिक शुरू हो रहा है, और याद रख लीजिए कि रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है पहला अल्फाबेट है दोस्तों। अल्फाबेट में आपका कोडिंग डिकोडिंग रहता है दोस्तों। दूसरा आपका डायरेक्शन है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, सीरीज है। सीरीज में आपकी नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज दोनों आ जाती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है
अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है दोस्तों फिगर, ठीक, जिसमें आपको फिगर दिया रहेगा, पूर्ण फिगर दिया रहेगा, अपूर्ण फिगर दिया रहेगा, ये सारी चीजें आती हैं। और दोस्तों एक आता है भरने वाला, भरने वाला का मतलब कि जैसे ए बी डैश, ए डैश बी बी डैश ए ए, तो इसमें भरना, भरना क्या है दोस्तों, एक इस तरह का प्रश्न आता है। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और ये सारे चैप्टर आपको करवाए जाएंगे दोस्तों, ये सारे चैप्टर आपको करवाए जाएंगे दोस्तों, ये सारे चैप्टर आपको करवाए जाएंगे। याद रखिएगा पूरा विस्तार से एक एक चीज समझ में आएगा दोस्तों। और इसके लिए खास बात यह है दोस्तों कि जो चैप्टर आपको करवाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी प्रैक्टिस सेट की, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, उसमें से जो क्वेश्चन आपको समस्या लगे वो क्वेश्चन आपको फिर से बता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक। तो आप जो है एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों तो सेशन को शुरू करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों आज हमको पढ़ना है एबीसीडी, जी हाँ दोस्तों आज हमको एबीसीडी पढ़ना है। और कोई पूछे कि आज क्या पढ़े तो क्या बताओगे दोस्तों, आप लोग बताना कि आज हम लोग एबीसीडी पढ़े, तो जब सब लोग कहेंगे कि अरे एबीसीडी तो कक्षा एक में पढ़े थे आप लोग, तो क्या बताओगे दोस्तों, आप लोग ये बताइएगा कि हमने आज मॉडर्न एबीसीडी पढ़ी। मॉडर्न एबीसीडी का मतलब अभी तक एबीसीडी पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे दोस्तों ए का मतलब एक, बी का मतलब दो, सी का मतलब तीन, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। जी हाँ दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की क्लास में हम लोग एबीसीडी देखेंगे दोस्तों। ए बी सी डी ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक। आज हम लोग एबीसीडी पढ़ेंगे, और याद रखिएगा दोस्तों एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। जी हाँ दोस्तों मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपके पास 26 अक्षर हैं और आपको यही याद करना है दोस्तों, यही कोड याद करना है, आपको यही कोड याद करना है। आज आपका केवल एक काम रहेगा दोस्तों, आज आप यही कोड पूरा याद करेंगे दोस्तों। सुनिएगा दोस्तों नीरज कह रहे हैं सर इसको याद कैसे करेंगे, तो नीरज मैं बता रहा हूं कि इसको याद कैसे करेंगे। देखिए इसको याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको एक वर्ड याद करना है, वो वर्ड क्या है दोस्तों, वो वर्ड है इजोटी। जी हाँ दोस्तों एक वर्ड याद करिए दोस्तों, केवल बस इजोटी। और इजोटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इजोटी आपका ये पांच पांच का ग्रुप है, मतलब ई ई का होता है दोस्तों पांच, जे जे का होता है दस, ओ का पंद्रह, टी का बीस और वाई का पच्चीस। जी हां दोस्तों केवल आपको एक वर्ड याद करना है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसको मिटाएंगे दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि याद कैसे करेंगे, ठीक। तो चलिए हम निकालते हैं दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों चलिए हम निकालते हैं फिर इसको। दोस्तों सुनिए कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, चाहे आप यक्स वाई के हो, यक्स ग्रुप के हो, चाहे वाई ग्रुप के हो, बिल्कुल भी कठिन नहीं है दोस्तों। सुनिएगा देखिए हमने बता दिया कि इजोटी में ई पांच हो गया, जे दस हो गया, ओ आपका पंद्रह हो गया, टी आपका बीस हो गया, वाई आपका पच्चीस हो गया, ठीक। सुनिए दोस्तों चार चार केवल आपको याद करना है बस, चार ठू कौन कौन सा, ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, बस केवल यही चार याद करना है दोस्तों, यही चार केवल आपको याद करना है, बाकी मैं तरीका बता रहा हूं। इजोटी हमको याद है, इजोटी में ई होता है पांच, क्या होता है दोस्तों, ई का होता है पांच, तो ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, जे आएगा, और जे का क्या हो जाएगा दोस्तों छः, ठीक।
उसके बाद देखिए ई के बाद यफ आता है, जे नहीं आता दोस्तों, कौन बता दिया कि जे आता है। ई के बाद क्या आता है दोस्तों, यफ आता है, और यफ का क्या होता है दोस्तों, छे। अब सुनिए दोस्तों, एक चीज सुने होंगे आप, जी सेवन सम्मेलन, कितने लोग सुने हैं दोस्तों, जी सेवन सम्मेलन, अर्थात जी का दोस्तों क्या होता है, सात। क्यों? क्योंकि जी सेवन सम्मेलन होता है, तो जी का क्या हो गया दोस्तों, सात। यच दोस्तों ऐसे लिखा जाता है ना, यच कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है दोस्तों। अगर आप इसको मिला दें अभी तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या लग रहा है? आशीष कह रहे हैं सर जी बी लग रहा है। दोस्तों ये आठ है, क्या है दोस्तों, आठ है, अर्थात दोस्तों यच का क्या हो जाएगा, यच का हो जाएगा आठ। आई दोस्तों देखो ऐसे लिखा जाता है, आई आप इस तरह देखें, इंडियन जब लिखते हैं देखिए दोस्तों ऐसे लिखा जाता है इंडियन, तो आई देखिए कैसे लिखा है दोस्तों, अर्थात अगर हम आई को ऐसे कर दें तो क्या बन गया दोस्तों, नौ बन गया, मतलब आई का क्या होता है दोस्तों, आई का क्या होता है, नौ होता है। उसी तरह जे का हमने बताया दोस्तों, जे का दस होता है। और ये बताइए, ये बताइए के इलेवन टीम है, के इलेवन टीम है ना आईपीएल की, तो के इलेवन जब टीम है दोस्तों तो के इलेवन तो होगा ही। फिर देखिए के बाद दोस्तों यल होता है, और यल का क्या हो जाएगा, जब के का इलेवन हो गया दोस्तों, के इलेवन और के का जब इलेवन हो गया दोस्तों तो यल ट्वेल्व होगा ही। यल के बाद दोस्तों यम देखिए, और यम का मतलब हो गया दोस्तों, यम का मतलब हो गया दोस्तों कुछ भी कर लीजिए आप, यम का मतलब हो गया माया 13 साल की है। जी हाँ दोस्तों, यम का मतलब माया 13 साल की है, और माया 13 साल की है मतलब माया क्या हो गया दोस्तों, यम 13, माया 13 साल की है। और इसी तरह अगर डब्लू की बात किया जाए, देखिए डब्लू और यम दोनों एक ही तरह हैं, जब ये 13 हो गए दोस्तों तो डब्लू का क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू का 23 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए आगे देखिए दोस्तों, पी देख रहे हैं आप, पी को अगर अभी आप उल्टा कर दीजिए तो ऐसे बन जाएगा दोस्तों, पी को अगर आप उल्टा कर दीजिए तो ऐसे बनेगा कि नहीं, तो देखिए पी का तो चूंकि 6 तो होगा नहीं, कहे 6 एफ का है, तो पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। उसी तरह देखिए क्यों, क्यों देखिए दोस्तों ऐसे बनता है ना, अर्थात देखिए 7 दिख रहा होगा, क्यों जो है 7 की तरह दिख रहा है, और 7 होगा नहीं क्योंकि जी 7 होता है, तो क्यों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, क्यों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, तो आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, कोई भी वर्ड आप लिखिए, मैं बताऊंगा कि उसका क्या होगा दोस्तों। यन का कहे तो यन का 14 है, वाई का कहे दोस्तों तो वाई का 25 है, T20 मैच होता है, टी का 20 हो गया दोस्तों। फिर देखिए टी के बाद यू आता है दोस्तों, तो 20 के बाद 21 हो गया, वी 22, V 22, W का हमने अभी बताया 23, X दोस्तों 24, X आपका कैसे बनता, ऐसे बनता है ना, और इंग्लिश का 4 भी ऐसे बनता है। जी हाँ दोस्तों, तो X का क्या हो गया दोस्तों, 24 हो गया। तो ये थे आपके वर्ड दोस्तों, इसको ऐसे याद करेंगे। और सुनिए मैं बताता हूं एक आसान तरीका बताता हूं दोस्तों। चलिए मैं अपना नाम लिखता हूं दोस्तों, A N U R A G, तो दोस्तों A का क्या होगा बताइए, A का क्या होगा 1, N का क्या होगा दोस्तों 14, U का क्या होगा दोस्तों, चूंकि हमको पता है, U का नहीं पता, T का पता है, T20 होता है, T20 होता है ना, T के बाद क्या आता है दोस्तों, U आता है, और T का जब 20 हो गया दोस्तों, तो U का क्या हो जाएगा, 21। R है दोस्तों, आर है, और आर का दोस्तों देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए तो 8 बन जाएगा, अर्थात आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। ए का क्या हो जाएगा, 1, और जी का क्या हो जाएगा दोस्तों, जी 7 सम्मेलन। चलिए हम एक एक नाम हम आपके कमेंट से उठाते हैं, एक नाम आपके कमेंट से उठाते हैं, तो चलिए विकास का नाम उठाते हैं दोस्तों, विकास। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, VIKASH विकास का हमको नाम बताना है, तो वी का मतलब क्या होता है दोस्तों, 22। आई को हमने बताया दोस्तों कि आई को इस तरह लिखते हैं, आई का मतलब हो गया 9। के दोस्तों के 11, अर्थात के का 11। ए का 1। यस दोस्तों, यस का क्या हो जाएगा बताइए, T20 होता है दोस्तों, और टी के पहले क्या आता है, यस आता है, और यच का क्या हो जाएगा, 8। तो दोस्तों ये था जो है वर्ड, और इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा एक बार जल्दी से, आप लोग जो है अपने नाम का एक बार जल्दी से अपने नाम का कोड जो है कमेंट करिए दोस्तों। जैसे अगर आपका नाम दोस्तों मोहित है,
अगर आपका नाम मोहित है तो आप कमेंट करिएगा दोस्तों 23, 15, 8, 9, 20, यानी कि यम का 23 दोस्तों, ओ का 15 दोस्तों, यच का 8 दोस्तों, आई का 9 और टी का 20। अगर आपका मोहित नाम है दोस्तों तो आप कमेंट करिए 23, 15, 8, 9, 20। तो दोस्तों कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट देखता हूं। हेलो, कमेंट करिए दोस्तों। पुनीत, देवेश, आशीष, सुरेंद्र, आपका कमेंट आ रहा है दोस्तों। विकास, विनोद, आपका कमेंट आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिसका नाम नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग गुस्सा मत होइएगा दोस्तों, आपका कभी ना कभी नाम जरूर पढ़ा जाएगा दोस्तों, आपका कभी ना कभी नाम जरूर पढ़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, कमेंट हमको कुछ दिखते हैं, कुछ लेट में दिखते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो, चूंकि कमेंट जब चलता है दोस्तों थोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए जो है कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं सबका दोस्तों। तो आप परेशान मत होइएगा, किसी ना किसी दिन आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये तो था कि आपको जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट हैं दोस्तों, उसके कोड पता होने चाहिए कि किसका कोड क्या है दोस्तों। एक चीज और पता होना चाहिए, दो चीज दोस्तों। एक तो आपको कोड पता होना चाहिए, दूसरा अपोजिट वर्ड पता होना चाहिए। क्या चीज दोस्तों? दूसरा आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अपोजिट वर्ड। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो आपकी फिजिक्स और मैथ की क्लास अभी नहीं चल रही है, वो कुछ दिन नहीं चलेगी, अर्थात वो क्लास सितंबर से चलेगी दोस्तों। जो फिजिक्स और मैथ की क्लास नहीं चल रही दोस्तों, वो सितंबर से चलेगी यक्स ग्रुप के लिए। और यक्स ग्रुप वाली जो फिजिक्स और मैथ है, अभी केवल आपके 4 बजे वाली क्लास में ही चलेगी, अर्थात जब प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों तो उसी में ही करवाया जाएगा। तो जैसे इंग्लिश और मैथ हो गई है दोस्तों, तो अगली क्लास जो 4 बजे वाली में प्रैक्टिस होगा वो आपका साइंस होगा दोस्तों। ठीक, तो परेशान मत होइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अपोजिट वर्ड। तो याद रखिएगा, हमारा देश क्या हो गया दोस्तों? आजाद हो गया। तो ए का क्या होता है दोस्तों? जेड होता है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट का मतलब दोस्तों, ए का क्या होगा? जेड होगा। या फिर अगर आपको पहले वाले का कोड पता है ना दोस्तों, पहले वाले कोड क्या होता है? एक। तो याद रखिएगा, आप 27 में से यही कोड घटा दीजिए दोस्तों, आपको अपोजिट वर्ड मिल जाएगा, अर्थात 26। और 26 किसका होता है दोस्तों? जेड का होता है। मतलब कि अगर आपको कोई वर्ड दिया है और पूछ लिया जाए कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा दोस्तों, तो आप कुछ मत करिए, केवल 27 में से घटा दीजिए, केवल 27 में से घटा दीजिए दोस्तों, आपको अगला अपोजिट वर्ड मिल जाएगा। और वैसे तो मैं ट्रिक बता दूंगा दोस्तों, आपको याद रहेगा हमेशा, जैसे आजाद, ए का जेड, जी हां दोस्तों आजाद, बाई, बी का वाई दोस्तों, बाई आप लोग लिखते चलिएगा, बाई, बी का वाई, सिक्स, सी का यक्स दोस्तों, सिक्स, डी का ड्यू, माउंटेन ड्यू। कौन कौन पिया है माउंटेन ड्यू बताइए दोस्तों, कमेंट करिए और देखता हूं कौन कौन माउंटेन ड्यू पिया है। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, आपका कर्तव्य बनता है कि आप शेयर करें दोस्तों। तो क्या बताया हमने? डी का डब्ल्यू। उसके बाद देखिए दोस्तों, ई, ई का हो जाएगा दोस्तों वी। याद रखिएगा, एल ओ वी ई, लव, लव करते हैं दोस्तों। और यल का क्या होता है? ओ। और वी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? ई होता है। तो वही चीज है, वी का अपोजिट ई होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, उफ, बड़ी गर्मी है दोस्तों, उफ, बड़ी गर्मी है दोस्तों, अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों? यफ का यू हो जाएगा। अगर आपको उफ ना पता हो दोस्तों तो फुल पता होगा, अर्थात यफ का क्या हो जाएगा दोस्तों? यू हो जाएगा, यफ का यू हो जाएगा, फुल। अब देखिए दोस्तों, यफ के बाद फिर आगे चलते हैं दोस्तों, जी, जीटी रोड, जीटी रोड दोस्तों बताइए, शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, अर्थात जी का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा दोस्तों। हाई स्कूल का एग्जाम तो लाजवाब था दोस्तों, हाई स्कूल का एग्जाम तो लाजवाब था दोस्तों, अर्थात यच का क्या हो जाएगा दोस्तों? यस हो जाएगा। अगर मजा आ रही हो दोस्तों, अगर मजा आ रही हो दोस्तों, तो ईमानदारी से लाइक करिए, कमेंट करिए, जय हिंद, जय हिंद, एक बार कमेंट करिए दोस्तों। हम लोग एयरफोर्स के बंदे हैं और लगना चाहिए कि हाँ, एयरफोर्स की तैयारी चल रही है दोस्तों। उसके बाद देखिए, आई, इंडियन रेलवे, जी हाँ दोस्तों, आई आर, इंडियन रेलवे की तो बात ही निराली है दोस्तों, आई आर, इंडियन रेलवे। आगे चलते हैं दोस्तों, आई के बाद फिर चलते हैं जे। अब देखिए दोस्तों, जे का क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर का किला, कितना सुंदर है दोस्तों, जहांगीर का किला, अर्थात जे का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यों हो जाएगा। और जे का क्या होगा अपोजिट दोस्तों? क्यों हो जाएगा।
कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कहीं कोई समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए और स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। कटी पतंग, पतंग कट गई या फिर कमला पसंद है, क्या है दोस्तों? जो भी हो आप लिख लीजिएगा। केपी यानी कमला पसंद है या फिर कटी पतंग है, जो आपको अच्छा लगे। आगे चलते हैं उसी क्रम में दोस्तों, अगला क्या है? जे के, उसके बाद फिर यल। जी हाँ दोस्तों, यल। अब देखिए यल का दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए, कुछ भी कमेंट करिए दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में बताया था यल ओ वी ई, ये क्या है दोस्तों? आपका लव है, और लव में यल का क्या होगा? यल का ओ होगा दोस्तों, और वी का क्या होगा दोस्तों? ई होगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम सभी भारत माता के प्रेमी हैं दोस्तों, हम सभी भारत माता के प्रेमी हैं, है कि नहीं? जल्दी बताइए दोस्तों, अगर हो तो अंगूठा ऊपर होना चाहिए दोस्तों, हम सभी भारत माता के प्रेमी हैं दोस्तों। तो यल का क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, के यल के बाद फिर यम। यम का आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यम यन, मन है भटकता रहता है दोस्तों, तो यम का क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। उसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो ओ, अब उसी क्रम में दोस्तों ओ, ओ का क्या हो जाएगा? यल, अब अर्थात उल्टा चलेगा। तो याद रखिएगा ये इतने अपोजिट वर्ड थे दोस्तों, और याद करने की ट्रिक में अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा। आज आपकी क्लास यहीं पे रोकनी पड़ेगी दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा कि हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों। दो चीज मैंने याद करने के लिए कहा है, पहला चीज अपोजिट वर्ड आपको याद होना चाहिए दोस्तों, पहला चीज अपोजिट वर्ड याद रहना चाहिए, और दूसरी चीज हमने वर्ड बताया अल्फाबेट में कि वर्ड कोई क्रम क्या है दोस्तों। तो ये दो चीज याद रखना, कल आपका ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात दोस्तों कल आपकी कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो जाएगी रीजनिंग में। तो दोस्तों आज आपकी क्लास पहले छोड़नी पड़ रही है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है दोस्तों, तो क्योंकि अब इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार धन्यवाद दोस्तों, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। जय हिंद जय भारत, जल्दी से जय हिंद करिए दोस्तों, उसके बाद मैं विदा लेता हूं आपसे, जय हिंद जल्दी लिखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार धन्यवाद जय हिंद।